दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हिमालय ली 52 डीएस की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके क्या फायदे हैं, कैसे लेना चाहिए, किसे और कब लेना चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इस दवाई को लेने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है, और वीडियो के अंत में ये भी आपको बताऊंगा कि इस दवाई से आपको वजन बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर एक बात पता चलेगी। तो बात करें इस सिरप की, जो 200 ml की आती है और आपको नॉर्मली हर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाएगी। प्लास्टिक की बोतल के अंदर आती है और हिमालय की जो रेगुलर पैकिंग रहती है उसी हिसाब से इसे तैयार किया गया है। अब बात करते हैं कि ये ली 52 डीएस किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई है। इस सिरप के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, हिमसरा, कासनी, काकामच्छी, अर्जुना, कसमर्दा, ब्रिजजसिया, जाऊका, इन सभी का एस्ट्रेट इसमें शामिल किया गया है और प्रोसेस किया गया है भृंगराज, भूमियाला की, पुनर्नवा, गुड़ूची, दारू हल्दी, मुलाका, आमलकी, चित्रका, विरागा, परपटी और हरित की। ये सब चीज इसके अंदर शामिल की गई है। और अभी कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि ये ली 52 डीएस का मतलब क्या है। लीव मतलब लीवर और डीएस मतलब डबल स्ट्रेंथ, यानी जो ली 52 नॉर्मली सिरप आती है उससे डबल स्ट्रेंथ में ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम डीएस रखा गया है, क्योंकि ये डबल स्ट्रेंथ में काम करती है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। मैं आपको डिटेल्स में इसके फायदे बता देता हूँ कि ली 52 डीएस सिरप किन चीज़ों में आपको फायदा करेगी और किन किन कंडीशन में ये ली जा सकती है। दोस्तों ये लीवर की हेल्थ को बूस्ट करने का काम करती है। हमारा जो लीवर होता है ना, उसकी उम्र को ये बढ़ाती है। जिस किसी का अगर लीवर कमजोर पड़ गया है तो लीवर की ताकत को ये बढ़ाने का काम करती है। लीवर में आई जो भी छोटी मोटी कमजोरी है या जो भी छोटी मोटी खराबी देखने को मिलती है उसको ये दूर करने का काम करती है। लीवर का सबसे मेन काम होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके पोषण को शरीर तक पहुँचाना। तो अगर आपका लीवर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लीवर ही कमजोर है। तो जो भी पोषण है वो आपके शरीर को लगे, इसलिए ली 52 डीएस काम करती है और आपके लीवर की हेल्थ को सुधारती है, जिससे आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके अलावा बैड टॉक्सिन जो भी आपके शरीर में होता है उसको ये फ्लैश आउट करने का काम करती है, क्योंकि शरीर में ऐसे बहुत से हानिकारक टॉक्सिन होते हैं जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए, उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम ये दवाई करती है। और अगला काम है भूख बढ़ाने को लेकर। इस बोतल के ऊपर स्पष्ट लिखा है प्रमोट एपिटाइट, मतलब ये आपकी भूख को बढ़ाएगी। कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको भूख बहुत कम लगती है या फिर लगती ही नहीं है, उनको कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता, तो इसके ऊपर भी ली 52 डीएस का काम भूख बढ़ाने के ऊपर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके लीवर की हेल्थ सुधरेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम सुधरेगा, इसके कारण आपको भूख भी अच्छी लगेगी। और इसके कारण जो सबसे बढ़िया बेनिफिट्स होता है वो वेट गेन के ऊपर होता है। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है या कुछ भी आप खा पी रहे हैं वो शरीर को नहीं लग रहा है, तो ली 52 डीएस को लेने के बाद आपको ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। भूख भी बढ़ेगी, वजन को बढ़ाने में भी ये दवाई काफ़ी लाभ करेगी, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं अगर वो शरीर को लगेगा तो आपका वजन अपने आप ही बढ़ेगा, वो भी हेल्दी वे में। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसको भी ये बढ़ाने का काम करती है और खून में भी वृद्धि करती है। अगर किसी का शराब पीने से लीवर डैमेज हो गया है तो उस डैमेज को भी ये ठीक करती है, लीवर की हेल्थ को वापस से सुधारती है। तो अगर आप शराब से डैमेज हुए लीवर को ठीक करने के लिए ली 52 डीएस ले रहे हैं तो आपको शराब बंद करनी पड़ेगी। अगर बात करें कि इस सिरप को कैसे लेना है यानी इस्तेमाल कैसे करना है, तो उम्र के हिसाब से इसके अलग अलग डोज हैं। बच्चों को दिन में दो बार आधा आधा चम्मच ये दवाई पिलाई जा सकती है और एडल्ट यानी वयस्क जो हैं उनको एक एक चम्मच दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है, यानी जैसे आपको डॉक्टर बोलें वैसे ही आपको ये सिरप लेनी है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका अभी तक कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो इसमें रिकमेंड डोज से ज़्यादा अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसको नेचुरल चीजों से बनाया गया है। हालांकि एक सावधानी आपको रखनी है कि जितना आपको डॉक्टर बोले उतने ही टाइम तक आपको ये सिरप लेनी है। और हाँ, अगर आपकी शरीर की मेडिकल स्थिति सही नहीं है या फिर कोई अन्य दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से इसे लेना है। तो ये थी LEE52DS की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण भरी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।